पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। दूड़ा राम जी फतेहाबाद से विधायक हैं, कुलदीप जी के कजन ब्रदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी को भी आप अपने कुनबे में बीजेपी के लिए आए, उनका बड़ा भारी मैं स्वागत करता हूं। बहुत बढ़िया फैसला लिया, क्योंकि बीजेपी आने से हमें खासकर हिसार जिला, फतेहाबाद जिला, सरसा जिला में बड़ा भारी फायदा मिलेगा, और बहुत बढ़िया फैसला लिया कुलदीप। कांग्रेस को कितना बड़ा झटका मानते हैं आप, ये वक्त बताएंगे। जब कुलदीप जी ने इतना संघर्ष किया है, उसका जब अभी आदमपुर हल्का, आदमपुर में बाई इलेक्शन होगा, पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। बीजेपी को उसका लाभ रहेगा कुलदीप जी के आने का, पूरा लाभ है। चंद्रमोहन जी की स्थिति क्या रहेगी वो मुझे पता नहीं, उनसे बात करिए। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस का जब से प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया, तब से ये आहट आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। ये देखो वो भी बात थी और बातें काफ़ी थी, बाकी तो कुलदीप जी खुद बताएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूँ जो उन्होंने फैसला लिया बहुत ठीक लिया। धन्यवाद दूड़ा राम जी। तो ये हैं दूड़ा राम जी, फतेहाबाद से विधायक हैं। इन्होंने कहा कि वो स्वागत करते हैं बीजेपी के अंदर कुलदीप बिश्नोई का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।